हेलो दोस्तों, ग्रह शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में मोबाइल यूज़ करना एक बहुत ही आम बात है और इसका कहीं पानी में गिरना ये एक बहुत बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि बिना मोबाइल के आज हर आदमी 1 मिनट में परेशान हो जाता है। तो आज हम आपसे इसी समस्या के बारे में डिस्कस करेंगे कि यदि आपका मोबाइल कहीं पानी में गिर जाता है तो क्या किया जाए। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अपनी बात आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आपका मोबाइल कहीं पानी में गिर जाता है या बारिश में भीग जाता है तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को ऑफ़ कर दें, और ऑफ़ करने के बाद उसके अंदर मौजूद बैटरी, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड इन सबको बाहर निकाल दें। यदि आपके मोबाइल में बैटरी नॉन रिमूवेबल है तो पावर बटन से उसको ऑफ़ कर दें, और इसके बाद आप जो है उसको सूखे कपड़े से पोंछकर, यदि आपके पास हेयर ड्रायर है तो उससे मोबाइल और मोबाइल के सारे पार्ट्स यानी सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड उनको सुखा लें। यदि ड्रायर नहीं है तो सूखे कपड़े से पोंछकर आप उसे धूप में थोड़ी देर के लिए रख दें, और यदि धूप भी नहीं है उस समय तो आप उसे फ्रिज या टीवी के स्टेपलाइजर पर थोड़ी देर के लिए रख दें, जिससे मोबाइल को गर्माई मिल सके। इसके बाद मोबाइल को और उसके सभी पार्ट्स को एक सूती कपड़े में लपेटकर सूखे चावल में दबाकर रख दें। 1-2 दिन के लिए इसे चावल में ही रखा रहने दें, फिर पूरा सूखने के बाद बाहर निकालें और बैटरी लगाकर ऑन करें। चावल में नमी सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, तो इसमें रखने से मोबाइल जल्दी सूख जाता है और ऑन करने पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी यदि फ़ोन काम ना करे तो आप इसे मोबाइल के सर्विस सेंटर पर दिखा सकते हैं। वैसे ऐसी नौबत आती नहीं है कि सेंटर पर जाना पड़े। चावल में इतना सब करने के बाद और चावल में उसे दबाने के बाद मोबाइल ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़े तो आप इस उपाय को जरूर अपना कर देखें। अगली वीडियो में एक नई समस्या के समाधान के संग आपसे मिलेंगे। तब तक जय श्री राम।